हमारे चारों ओर ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना महत्वपूर्ण समझते हैं। वे अपनी वर्तमान या भविष्य के आर्थिक मूल्य के कारण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वे हमारे भीतर कुछ भावनात्मक लगाव भी उत्पन्न करते हैं, या वे हमें इस बात का भाव उत्पन्न करते हैं कि हम किसी वस्तु जैसे देश, परंपरा या जीवन शैली का हिस्सा है। ये ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिनको सहेज कर रखा जा सकता है, ऐसे भवन हो सकते हैं जिनका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, ऐसे गीत या कहानी हो सकते हैं जिनका गायन या वाचन किया जा सकता है। वे किसी भी आकार के हों, विरासत के अंग होते हैं और इस विरासत की रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक विरासत शब्द हाल के दशकों में काफी परिवर्तित हुआ है, विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा विकसित उपकरों के परिप्रेक्ष्य में। सांस्कृतिक विरासत स्मारकों एवं वस्तुओं के संग्रहण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परंपराओं या हमारे पूर्वजों से प्राप्त और अगली पीढ़ी को प्रदत्त जीवित अभिव्यक्तियों को भी शामिल करता है, जैसे वाचिक परंपराएं, प्रदर्शनात्मक कलाएं, सामाजिक व्यवहार, कर्मकांड, त्यौहार, प्रकृति एवं ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं व्यवहार तथा परंपरागत शिल्प को उत्पन्न करने वाली दक्षता आदि। वैश्वीकरण के बढ़ते वर्तमान दौर में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न समुदायों के अमूर्त सांस्कृतिक तत्वों की समझ हमें अन्य जीवन शैलियों के लिए परस्पर सम्मान को प्रोत्साहन देता है और अंतर सांस्कृतिक वार्तालाप में सहायता करती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का तात्पर्य है वे व्यवहार, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान, कौशल के अलावा वे तंत्र, वस्तुएं, कलाकृतियाँ एवं उनसे संबंधित सांस्कृतिक स्थान जिन्हें समुदाय, समूह एवं कुछ मामलों में व्यक्ति भी अपने सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानता है। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती रहती है। आपातकालीन रक्षा उपायों की आवश्यकता वाली सांस्कृतिक विरासतों की सूची अत्यधिक विस्तृत है। इसमें विश्व के सभी हिस्सों की परंपराएं शामिल हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। बांग्लादेश में जमदानी बुनाई की परंपरागत कला। बेल्जियम के उस्ट डेनुर्क कर्क में घोड़े के पीठ पर शिंप मछली पकड़ना। चीनी जुसुअन जो अवशस्क की सहायता से गणितीय गणना का ज्ञान एवं अभ्यास है। इथियोपिया में क्राइस्ट के वास्तविक पवित्र क्रॉस की प्राप्ति का संस्मरणात्मक समारोह। फ्रांस में लिमोसिम सप्तवार्षिक वार्षिक प्रदर्शनी। प्राचीन जॉर्जियाई परंपरागत क्वेवेरी शराब निर्माण पद्धति। भारत में संकीर्तन, धार्मिक गायन, वादन एवं नृत्य। इटली में स्कंधवाहित वृहद शोभा यात्रा संरचनाओं का समारोह। वाशिकु जापानियों की परंपरागत आहार संस्कृति नववर्ष समारोह के लिए उल्लेखनीय। किर्गिस्तान में किर्गिज महाकाव्य नाट्यत्रय मानस समिति सेटेक। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची अमूर्त विरासतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समुदायों की परंपराओं को पहचान दिलाने एवं उनकी सांस्कृतिक विविधता को जानने में सहायक सिद्ध हुई है।
सूची में शामिल किए गए 11 नए तत्व इस प्रकार के हैं। मंगोलिया के मंगोल गेर के परंपरागत शिल्पकारी एवं इससे संबंधित रिवाज, दूसरा पेरू के क्वेसवाचिका ब्रिज का वार्षिक नवीकरण से संबंधित ज्ञान कौशल एवं कर्मकांड, तीसरा कोरिया गणतंत्र में किमची निर्माण एवं साझा करना, चौथा मॉल्डिविया गणतंत्र में पुरुषों के समूह द्वारा क्रिसमस के समय के कर्मकांड कोलिंडांट, स्लोवाकिया में टिरकोवा का संगीत, तुर्की में कॉफी संस्कृति एवं परंपरा, वेनेजुएला में ला पेरांडा डी सैन पेड्रो डी गुआरेनास वाय गुतिरे, दक्षिण वियतनाम में डॉन का टाई टू संगीत एवं गीत, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में भारत की भी कुछ कलाएं सम्मिलित हैं। संकीर्तन को 2013 में इस सूची में सम्मिलित किया गया। मणिपुरी नट संकीर्तन कला की संकल्पना प्रसिद्ध मणिपुरी राज्य राजा भाग्यचंद्र सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। यह कला मणिपुर के वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के जीवन के विभिन्न चरणों एवं धार्मिक अवसरों पर प्रदर्शित की जाती है। यह मंदिर के मध्य में संपादित किया जाता है, जहां कलाकार कृष्ण के जीवन एवं कार्यों का वर्णन गीतों एवं नृत्य के माध्यम से करते हैं। एक प्रारूपिक प्रदर्शन में दो ढोल वादक एवं लगभग 10 गायक नर्तक किसी हॉल या घरेलू सभागार में बैठे भक्तों के बीच अपना प्रदर्शन करते हैं। इस कला की गरिमा एवं सौंदर्यात्मक व धार्मिक ऊर्जा अतुलनीय है। दर्शकों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह कलाकारों के समक्ष साष्टांग प्रणत हो जाते हैं। संकीर्तन लोगों को वर्ष भर त्योहारों के अवसर पर एक साथ लाने का कार्य करता है और जीवन चक्र समारोहों के माध्यम से समुदाय एवं व्यक्ति के बीच के संबंधों को और मजबूती प्रदान करता है। यह लोगों के बीच एक जैविक रिश्ते को प्रोत्साहित करने का गुंजायमान आयोजन है, क्योंकि सारा समाज इसके रक्षोपाय हेतु संलग्न है तथा समस्त ज्ञान एवं कौशल गुरुओं से अनुयायियों की परंपरागत रूप से हस्तांतरित होता आता है। यह प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर ही कार्य करता है, जैसा कि अनेक धार्मिक कर्म कांडों में प्रकृति के तथ्यों की स्वीकृति देखी जा सकती है। लद्दाख प्रदेश के गांवों एवं मठों में बौद्ध लामा महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं दर्शन पर आधारित धार्मिक गीतों का गायन करते हैं। इन गीतों को 2012 में सूची में सम्मिलित किया गया। लद्दाख में बौद्ध धर्म के दो रूप महायान एवं वज्रयान तथा उनके चार प्रमुख पंथ निगम, काग्युद, शाक्य तथा गिलुक के अनुयायी मिलते हैं। प्रत्येक पंथ के भजन गायन के अनेक रूप हैं, जिनका गायन जीवन चक्र के कर्म कांडों एवं बौद्ध व कृष्णीय पंचांग के महत्वपूर्ण दिवसों पर किया जाता है। ये गायन आमजन के आत्मिक एवं मानसिक कुशलता, मस्तिष्क की शांति एवं शोधन, दुरात्माओं के कोप को शांत करने या विभिन्न बुद्धों, बोधिसत्वों, देवताओं एवं ऋण पौधों की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। यह गायन समूह में किए जाते हैं और ये या तो घरों के अंदर बिठाकर या फिर मठों में या निजी घरों के प्रांगण में नृत्य के साथ संपादित किए जाते हैं। मठवासी सन्यासी बुद्ध के समान विशेष वेशभूषा पहनकर अपने हाथों को विशेष मुद्राओं में प्रस्तुत करते हैं तथा गायन के दौरान
विशेष वाद्य यंत्रों जैसे घंटी, ढोल, मजीरा एवं तुरही का प्रयोग करके उसे संगीतमय एवं तालयुक्त बना देते हैं। अनुचरों को वरिष्ठ सन्यासियों के कठोर संरक्षण में प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें उन भजनों को बार बार अभ्यास कराकर कंठस्थ करा दिया जाता है। भजनों का गायन प्रतिदिन मठ की दैनिक सभा के दौरान विश्व शांति और प्रतिभागियों के कल्याण के उद्देश्य प्रार्थना के रूप में किया जाता है। छऊ एक जनजातीय मार्शल नृत्य है जो उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य के तीन उप प्रकार हैं जो उनकी उत्पत्ति एवं विकास के स्थान के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ तथा पुरुलिया छऊ। छऊ नृत्य मुख्यतः क्षेत्रीय त्योहारों, विशेष रूप से 13 दिनों तक चलने वाले और समूचे समुदाय की भागीदारी वाले चैत्र पर्व के दौरान संपादित किया जाता है। छऊ के अंतर्गत नृत्य और मार्शल कला का संगम देखने को मिलता है, जिसमें छद्म युद्ध तकनीक, पक्षियों एवं जानवरों की चाल तथा ग्रामीण गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतियों को दर्शाया जाता है। यह नृत्य पुरुष नर्तकों द्वारा संपादित किया जाता है जो स्थानीय समुदाय से या परंपरागत कलाकारों के परिवारों से संबंधित होते हैं। नृत्य का आयोजन प्रायः रात्रि में खुले आकाश के नीचे खुले स्थान पर, जिसे अखाड़ा या असर कहते हैं, में किया जाता है और इसके साथ परंपरागत एवं लोक संगीत भी चलता रहता है, जिसमें सरकेंतु की नली से निर्मित बांसुरी या मोहूरी एवं शहनाई वादन होता है। मृदंग के अनेक प्रकार प्रयुक्त होते हैं, जैसे ढोल, धुमसा या खड़का या चाद चादी। इन नृत्यों की विषय वस्तु स्थानीय महानायकों, लोक कथाओं एवं रामायण व महाभारत की विभिन्न घटनाओं तथा अन्य अमूर्त विषयों से संबंधित होती है। कालबेलिया राजस्थान का सर्वाधिक इंद्रिय ग्राह्य नृत्य रूप है, जिसे इसी नाम की एक जनजाति द्वारा संपादित किया जाता है। इसे 2010 में ही इस सूची में शामिल किया गया। वे अपने नृत्य के लिए विख्यात हैं, जो उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपने खुशनुमा अवसरों पर इस नृत्य में प्रतिभागिता करते हैं। प्राचीन काल में कालबेलिया अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुधा संचलन के लिए जाने जाते थे। उनका मुख्य पेशा सांप पकड़ना और उनके विष का व्यापार करना है। इसीलिए इस समुदाय की वेशभूषा एवं नृत्य भंगिमाएं सांपों की गतियों से मिलती जुलती हैं। कालबेलिया गीत लोक कथाओं एवं पौराणिक कथाओं की कहानियों पर आधारित होते हैं तथा होली के समय विशेष नृत्य आयोजित होते हैं। कालबेलियों की एक विशिष्ट ख्याति इस बात को लेकर भी है कि वे गीतों के बोलों की तत्काल रचना कर लेते हैं और उनकी प्रस्तुति के दौरान उन गीतों को तत्काल संगीतबद्ध करके बेहतर बना लेते हैं। यह गीत और नृत्य एक वाचिक परंपरा का हिस्सा है जो अगली पीढ़ी को वरिष्ठों के द्वारा सौंप दी जाती है। न तो इसका कोई लिखित आलेख है, न कोई प्रशिक्षण नियमावली। 2010 में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्यों को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। मुदियट या मुदियट्टू केरल का एक परंपरागत धार्मिक थिएटर एवं लोक नृत्य नाटिका है, जो देवी काली और राक्षस दारिका के मध्य युद्ध की पौराणिक कथा को दर्शाता है। यह अनुष्ठान भगवती या भदुकाल संप्रदाय का हिस्सा है।
इस नृत्य का संपादक नर्तकों के एक समूह द्वारा किया जाता है जो कुरुपान्नमार कहलाते हैं और यह मंदिरों में आयोजित होते हैं। ये मंदिर देवी माता से संबंधित होते हैं जिन्हें भगवत काबूस कहते हैं। इन आयोजनों का समय फरवरी से मई के बीच फसल काटने के उपरांत होता है। 2010 में मुदियट्टू को यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया। यह कुडियट्टम के पश्चात केरल की दूसरी कला विधि थी जिसे इस प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। मुदियट्टू के कलाकार भारी श्रृंगार करते हैं, भड़कीले पोशाक धारण करते हैं, चेहरे पर परंपरागत आकर्षक चित्रकारी करते हैं तथा लंबा मुकुट धारण करते हैं और इन सबका उद्देश्य अपने को अलौकिक दर्शाना होता है। लकड़ी के मुकुट के साथ काली का मुखौटा भी होता है। एक श्रृंगारिक लाल बंडी एवं कमर पर लंबा सफेद वस्त्र उनके पहनावे को पूर्णतया प्रदान करता है। मुदियट्टू हर वर्ष चल्लाकुट्टी पुझा पेरियार एवं मुगट पुझा नदियों के किनारे स्थित गांव में देवी के मंदिरों भगवती काउस में संपादित होता है। विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों में प्रत्येक जाति की सामूहिक भागीदारी एवं परस्पर सहयोग से समुदायों के मध्य परस्पर संबंध एवं उभय पहचान मजबूत होती है। इसके प्रसरण का उत्तरदायित्व वरिष्ठ कारों एवं ज्येष्ठ जनों पर होता है जो युवा पीढ़ी को नृत्य प्रदर्शन के दौरान प्रशिक्षु के रूप में शामिल करते हैं। मुदियट्टू अपने समुदाय के परंपरागत मूल्यों, नीति शास्त्र, नैतिक संहिता एवं सौंदर्य शास्त्रीय मानकों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और इस प्रकार यह समाज में निरंतरता बनाए रखता है और वर्तमान समय में अपना औचित्य भी साबित करता है। कुडियट्टम का शाब्दिक अर्थ है साथ साथ अभिनय करना। इसे 2008 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कुडियट्टम का प्रचलन हिंदू धर्म की एक जाति चक्कियार के लोगों के बीच एक नृत्य नाटिका के रूप में होता था। इस नृत्य नाटिका में पुरुष चरित्र चक्कियार जाति से तथा महिला चरित्र नंबियार जाति के स्त्रियों के लिए जाते थे। कुडियट्टम का आयोजन कई दिनों तक लगभग 6 से 20 दिन तक होता है। इस नृत्य नाटिका के विषय वस्तु हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। इसका आयोजन मंदिर के प्रांगणों जिसे कुथामलम कहा जाता है में होता है, जिसमें दो या अधिक पात्र एक समय पर मंच में उपस्थित होते हैं। विदूषक जो शेक्सपियर के नाटकों के मस्खरे के समान होता है साधारण है, मलयालम भाषा में कथा की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करता है और दर्शकों के मस्तिष्क में विभिन्न पात्रों का सजीव प्रतिबिंब अंकित कर देता है। यद्यपि वह हास्यकर एवं विनोदी होता है परंतु वह अपने अभिनय के दौरान किसी की आलोचना बिना भयभीत हुए ही करने का दम रखता है। कुडियट्टम संस्कृत भाषा में नाटकीय प्रस्तुति होती है परंतु विदूषक अपवाद स्वरूप मलयालम में बोलने वाला एकमात्र पात्र होता है। मिझाऊ इस नृत्य नाटिका में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख संगीत उपकरण है। यह मिट्टी का तांबे का बना एक बड़ा मर्तमान होता है जिसका मुख संकरा और चमड़े से ढका हुआ होता है। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। मिझाऊ सिर्फ नंबियारों द्वारा ही बजाया जाता है। नंगियार मजीरा बजाते हुए संस्कृत में छंदों एवं श्लोकों का गायन करती है। इडक्का इस नृत्य नाटिका में पुरुष एवं स्त्री दोनों के पात्रों को मृदुल भावनाओं के ओजस्वी चित्रों के लिए भाव एवं लय प्रदान करता है। कुडियट्टम एक मंदिर कला है और संभवतः संस्कृत नृत्य नाटिका के परंपरागत प्रस्तुति का एकमात्र जीवित रूप है। इरिंग जलकुड्डा में कुडम मणिकयम मंदिर तथा त्रिशूर में वडक्कुमंथा मंदिर वे मुख्य केंद्र हैं जहां आज भी कुडियट्टम का संपादन होता है।
नवरोज भारत के पारसियों के नव वर्ष का प्रारंभ है और यह भारत के कश्मीरी समुदाय द्वारा बसंतोत्सव के रूप में भी आयोजित किया जाता है। यह जरथुष्ट लोगों के पर्यावरण के लिए सम्मान का प्रतीक है। कृषि मौसम का यह त्योहार ज्ञान के देवता अहुर माजदा तथा हमेशा स्पिंटा यह ऋतुओं के उत्सव गहम्बर के अंग के रूप में पवित्र अनश्वर को समर्पित होता है। इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इन सबसे ऊपर यह है बसंत अग्नि एवं धर्म परायण को समर्पित सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक पवित्र उत्सव है। इस पर्व में यह परंपरा है कि टेबल रखकर उस पर गाथाओं की एक प्रति रखते हैं, एक लैंप या मोमबत्ती जलाते हैं, एक छिछले सेरेमिक तश्तरी में अंकुरित गेहूं या बीन रखते हैं, एक छोटे कटोरे में चांदी का सिक्का, फूल, चित्रित अंडे, मिष्ठान एवं गुलाब जल रखते हैं तथा एक कटोरे में जल भरकर उसमें स्वर्ण मत्स्य रख देते हैं। ये सभी संपन्नता, संपत्ति, रंग, उत्पादकता, मिठास एवं खुशहाली के प्रतीक हैं। रामायण भारत में गढ़वाल प्रदेश का एक धार्मिक पर्व एवं अनुष्ठानिक थिएटर है। इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में पेनखंड घाटी के सालुर डुंगरा गांव में हिंदू समुदाय का एक पर्व है। यह पर्व और यह आधार नामी कला रूप यहां के ग्राम देवता भूमियाल देवता को समर्पित होती है, जो गांव के मंदिर के प्रांगण में संपादित होता है। रामायण इस गांव में अद्वितीय है, क्योंकि यह हिमालय प्रदेश के किसी भी क्षेत्र या गांव में संपादित नहीं होता। सालुर डुंगरा के अभिभावक देवता भूमि क्षेत्रफाल हैं, जो भूमियाल देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। यह पर्व हर वर्ष उनके सम्मान में बैसाखी, जो फसल कटाई का पर्व है और हिंदू सौर वर्ष के आरंभ का भी द्योतक है, उसके बाद मनाया जाता है। यह घटना अत्यंत जटिल कर्म कांडों से युक्त होती है, जिसमें राम एवं विभिन्न महापुरुषों की गाथाओं का गायन तथा गीतों एवं मुखौटा युक्त नृत्य की प्रस्तुति शामिल होती है। इस पर्व का आयोजन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है और प्रत्येक जाति एवं व्यावसायिक समूह की एक विशिष्ट भूमिका होती है। उदाहरण के लिए युवा एवं ज्येष्ठ जन प्रस्तुति करते हैं, ब्राह्मण प्रार्थना की अगुवाई करते हैं तथा कर्मकांड संपादित करते हैं तथा स्थानीय क्षत्रिय लोग जो भंडारी कहलाते हैं, सिर्फ वे ही एक अतंत्र पवित्र मुखौटा नरसिंह को धारण कर सकते हैं। भूमियाल देवता को अपने घर पर वर्ष भर के लिए स्थापित करने वाले परिवार को अत्यंत कठोर दैनिक दिनचर्या अपनानी पड़ती है। थिएटर संगीत, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण एवं परंपरागत वाचिक एवं लिखित कथाएं, इन सभी को शामिल करता रामायण एक बहुरूपी सांस्कृतिक आयोजन है, जो समुदाय के पर्यावरणीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा को व्यक्त करता है और इस समुदाय के आधारी मृतकों को पुनः स्मरण करता है एवं समूल की भावना को मजबूत भी करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अब भी व्यवहारार्थ है, समुदाय की प्राथमिकताएं इसके प्रसरण को प्रोत्साहित करने एवं इसके भौगोलिक क्षेत्र के बाहर भी इसे पहचान दिलाने पर बल देती हैं। इस धार्मिक थिएटर को संपादित करने वाला कलाकार आकर्षक वेशभूषा और मुखौटा लगाते हैं। इस कला का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जागर का गायन है, जो स्थानीय महापुरुषों की गाथा की संगीत में प्रस्तुति होती है। इसके संपादन में आकाशीय, सामाजिक एवं ऐतिहासिक पहलुओं की एक हास्यपूर्ण एवं व्यंगात्मक प्रस्तुति शामिल होती है, परंतु यह कभी भी अपनी धार्मिक दृष्टि नहीं खोती। रामलीला भगवान राम के जीवन के लोक परंपरा अनुसार नाटकीय प्रस्तुति है, जिसका अंत राम और रावण के युद्ध के साथ होता है। जैसा कि
रामायण महाकाव्य में वर्णन किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न एक परंपरा यह रही है कि रामलीला का मंचन वार्षिक रूप से शारदीय नवरात्रि के दौरान 10 या अधिक क्रमिक रात्रियों तक विशेष रूप से किया जाता है, जो शीतकालीन त्योहारी मौसम के आरंभ का भी द्योतक होता है और जो दशहरा महोत्सव के साथ आरंभ हो जाता है। राम विष्णु के सातवें अवतार हैं और वे रामायण के केंद्रीय चरित्र हैं। रामायण भगवान राम के जीवन, समयों एवं मूल्यों पर आधारित रहा है। भारत की अधिकांश रामलीलाएं रामायण के 16वीं शताब्दी में रचित अवधि संस्करण श्री रामचरितमानस पर आधारित होती है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह महान ग्रंथ पूर्णतया छंदबद्ध है, अतः रामलीलाओं में बोले जाने वाले संवाद अधिकांशतया परंपरागत रूप में ही होते हैं। इसे 2008 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया।